तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फेलूर को। पहले पिछले यानी कि नकल पिन में फेलूर देख लिए थे, उसके बाद हम लोग सिंगल आई में फेलूर चेक कर लिए थे, अब उसके बाद हम लोग डबल आई में फेलूर चेक करेंगे। एक कंडीशन टेंसाइल से चेक करेंगे, उसके बाद शेयर से करेंगे, और तीसरा क्रशिंग से चेक करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये आपका डबल आई हो गया, जो कि डबल आई टेंसाइल से कर रहा था। टेंसाइल से इस तरह से टूटेगा पोर्शन आपका, तो पोर्शन जब टूटेगा तो इस तरह से आपको निकलेगा, इस तरह से आपका पोर्शन निकलेगा, इस तरह से आपका पोर्शन निकलेगा, इस तरह से जब टूटेगी तब। क्योंकि एक तरह इधर हो गया, इसका टीवन हम लोग माने हैं। अब इसके चौड़ाई निकालेंगे, तो इसके चौड़ाई देखे थे पिछले क्लास में, यानी कि टीवन टेटू हो गया। अब इसके उसी तरह से ये तो एक इसमें टूटा, अब इसमें भी टूटेगा, तो ये हो गया आपका, और एक ये हो गया। यानी कि इस तरह से, यानी कि इसका एरिया हम लोग को निकालना है। एक एरिया ये हो गया और एक एरिया होनी, देखिए एरिया एक एरिया दो एरिया तीन एरिया और चार एरिया। अब देखिए तो एक एरिया का वैल्यू कैसे निकलेगा, यानी कि डी टू माइनस डी वन या वन कर दीजिएगा इंटू डी वन। लेकिन एक एरिया, लेकिन एक एरिया दो एरिया तीन एरिया चार एरिया है, तो यहाँ चार से हम गुना कर देंगे, समझे। यानी कि एक एरिया का निकाला था डी टू माइनस डी वन बटा टू, लेकिन ऐसा ऐसा चार एरिया है, यानी रेसिस्टिंग एरिया आपको कितना रेसिस्ट कर रहा है। गर्मी बहुत है, पंखा का इशू है, तो खैर दूसरी बात है। आप लोग के लिए हम मेहनत हमेशा करते रहेंगे, बस आप लोग हम सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया डी टू माइनस डी वन अपॉन टू इंटू थिकनेस हो गया। अब ऐसा ऐसा चार एरिया है ना, चार एरिया टूट रहा था, चार से गुना कर देंगे। अब हम लोग चूंकि टेंशन से निकाल रहे हैं, तो सिग्मा टी कैलकुलेटर इसको लिख लेंगे, लोड अपॉन एरिया, यानी कि लोड अपॉन एरिया। तब देखिए लोड तक लोड यही हो गया। अब डी टू माइनस डी वन अपॉन टू इंटू आपका देखिए टी वन इंटू फोर हो गया, इसे काट देंगे तो दो हो गया, अब ये हो गया। तब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो यानी कि 150 गुना 10 के पावर 3 है, डी टू का वैल्यू हो गया 104 माइनस 52 इंटू देख लीजिएगा पिछले, यानी कि टी वन का वैल्यू कितना आया था देखिएगा, बताइएगा टी वन का वैल्यू देख लेते हैं, हम भी मिटा दिए हैं। यानी कि टी वन का वैल्यू 39 mm आया, यानी कि 39 mm। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने के बाद हम लोग आएगा, कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 150 गुने, यानी कि 150 गुने 10 के पावर 3 अपॉन 104 माइनस 52 इंटू 39। अब इसको गुना करने के बाद साथ ही एक आपका दो बच गया, तो इसको दो इधर से गुना कर देते हैं, इसका वैल्यू आया इंटू दो। अब कैलकुलेट करके आया इसका वैल्यू 36.98 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो चूंकि आप यहाँ देखिएगा, यहाँ सिग्मा टी लिख लीजिएगा, सिग्मा टी का वैल्यू कितना था पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा, चूंकि मेटर गया है। सिग्मा टी का वैल्यू आपका हो गया 75 MPa, उसके बाद सिग्मा सी का वैल्यू हो गया 150 MPa, और टाउ एस का वैल्यू आपका हो गया 60 MPa। तो ये आपका देखिए सिग्मा टी का कैलकुलेट का वैल्यू है 36.98, लेकिन यहाँ 75 MPa था, जो कि ज्यादा है सिग्मा गिवन का वैल्यू। तो यहाँ आपका कंडीशन सेफ होगा, लिखिए देन सिग्मा टी कैलकुलेट इज स्मॉलर देन सिग्मा टी गिवन, देन आवर डायमेंशन आर सेफ कंडीशन। अब उसके बाद हम लोग शेयर में निकालेंगे, तो शेयर में भी उसी तरह से टूटेगा, तो यानी कि जस्ट उतार लीजिएगा। शेयर में खाली इस तरह से आपको निकालना है एरिया, इस तरह से आपका एरिया निकलेगा, रेसिस्टिंग एरिया उसी तरह से क्रॉसिंग को बना ही देते हैं। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, इस तरह से टूटेगा, यानी कि शेयर स्ट्रेस से टूटेगा इस तरह से, यानी कि शेयर स्ट्रेस से टूटेगा। अब हम लोग को शेयर स्ट्रेस से निकालना है, शेयर स्ट्रेस से निकलेगा, शेयर स्ट्रेस से रेसिस्टिंग एरिया इस तरह से आपको निकलेगा, क्योंकि इस क्रॉस सेक्शन का तोड़ रहा है, इस तरह से याद रखिए, इस तरह से टूट रहा है, यहाँ से ये पोर्शन टूट रहा,
ये पोर्शन आपका निकल गया, ये रेसिस्टिंग एरिया एक साइड दो साइड हो गया, तो इसको एरिया निकालेगा डी टू माइनस डी वन अपॉन टू हो गया। और इसका टी वन लेंथ अथी थिकनेस है, तो चूंकि देखिए एक एरिया ऐसा भी टूट रहा है, एक जगह से ऐसा टूट रहा है, इस तरह से आपका टूट रहा है। देखिए एक एरिया ये हो गया, एक एरिया दो हो गया, उसी प्रकार से एक एरिया यहाँ हो गया, एक एरिया देखिए एक एरिया इसके साइड दो एरिया, इसके ये तीन एरिया, एक चार एरिया, यानी किसके जगह भी चार एरिया हो, तो निकाल लेंगे तो डी टू माइनस डी वन अपॉन टू इंटू थिकनेस तो हो ही है, गुना होगा टी वन इंटू फोर। अब काट देंगे तो दो बच गया, यानी कि टाउ एस क्या कैलकुलेटर इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, एरिया का वैल्यू लिख लेंगे तो लोड कितना हो गया आपका 150 इंटू 10 की पावर 3। अब पी ए का वैल्यू हो गया आपका कितना, यानी कि 104 माइनस 52 इंटू दो तो नहीं होगा इंटू 39 इंटू दो है ना, तो इसका भी क्योंकि सेम चीज है तो इसका भी टाउ एस कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 36.98 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो चूंकि कम है यहाँ देखिए आपका टाउ एस का वैल्यू 60 है, लेकिन यहाँ 36 है, देन टाउ एस कैलकुलेट इज स्मॉलर देन टाउ गिवन। उसके बाद हमारा आप लिख लीजिएगा देन आवर डायमेंशन आर सेफ, देन आवर डायमेंशन आर सेफ, उसके बाद लिख लीजिएगा देन आवर डायमेंशन आर सेफ। अब हम लोग क्रशिंग स्ट्रेस में, तो आपको बताया था कि क्रशिंग मतलब ट्रैक्टर का डल्ला याद कीजिएगा, डल्ला का जब आगे गाड़ी चलती है स्पीड में तो गड्ढा आता है, तो आगे पीछे रेसिस्टिंग एरिया करता है, यानी कि रेसिस्ट इस तरह से करेगा, इस पोर्शन पर रेसिस्ट करेगा, यानी कि बना ही देते हैं आपको। देखिए हम आपके लिए हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार है ताकि आप अधिक से अधिक समझ सके। देखिए दुनिया का टीचर चाहे कोई भी हो, दुनिया का कोई भी टीचर सेम चीज पढ़ाएगा, ऐसा नहीं कि दूसरा चीज पढ़ाएगा, हम पढ़ाएं जाइए, लेकिन हाँ तरीका है पढ़ाने का जो हमारे और आपके बीच एक कनेक्टिंग पॉइंट होता है, हमारे आपके बीच एक कनेक्टिंग पॉइंट है, उसको आप हमेशा जोड़ते रखिए, जुड़ के रखिए, तभी भी आप किसी भी चीज को आप सीख पाएगा। तो ये हो गया, यानी कि व्यू ओवर व्यू निकालने तो इसको बाहर से ऐसा इस तरह से निकलेगा, तो इसको यानी कि रेसिस्ट इस तरह इस क्रश कर रहा, यानी कि जाप रहा, क्रशिंग कर रहा, तो इसका एरिया इस तरह से निकलेगा। फ्रंट भी निकालेंगे तो इस तरह से हो गया, आपका हो गया कितना डी वन हो गया, ये हो गया आपका टी वन, तो इस तरह से डी वन और टी वन हो गया, तो हो गया आपका एक जगह और एक जगह, क्योंकि ये तो इस पोर्शन का निकालें और इस पोर्शन का भी निकलेगा इसे, इस तरह से निकलेगा एक एरिया, यानी कि टी वन इंटू डी वन। अब हम लोग एक एरिया है दो एरिया था, यहां से निकलेंगे सिग्मा सी कैलकुलेटेड इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, यहाँ लोड हो गया आपका 150 गुने 10 के पावर 3 अपॉन एरिया हो गया पाइप सॉरी ये ना होगी हो रिया, तो देखिए दो एरिया हो गया, एक एक दो एरिया, दो इंटू डी वन इंटू टी वन। अब वैल्यू पुट करेंगे 150 इंटू 10 के पावर 3 दो इंटू डी वन का वैल्यू, यहाँ देखेंगे डी वन का वैल्यू हो गया आपका 52 इंटू 39, तब यहाँ से आ गया आपका 13, यानी कि गुना ही कर दीजिए, गर्मी बहुत ज्यादा है, 150 गुने 10,000 नीचे हो गया 2 गुना 52 गुना 39, यानी कि 39.  गुना कर लीजिए एक बार, हम भी कर लेते हैं, यानी कि 150 इंटू 10 के पावर 3 यानी कि गुना सॉरी 150 गुना 1000 बटे नीचे हो गया आपका 2 गुना 52 इंटू 36.98 आ रहा है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो लिखेंगे चूंकि 36 है यहाँ आपका क्रशिंग स्ट्रेस का वैल्यू 150 है, तो लिखेंगे देन सिग्मा सी कैलकुलेटेड इज स्मॉलर देन सिग्मा सी गिवन। उसके बाद लिखेंगे हेयर आवर डायमेंशन आर सेफ कंडीशन। तो ये था आपका न्यूमेरिकल, बनाया था किस पे नकल ज्वाइंट पर बेस्ड न्यूमेरिकल था,
एक लेक्चर आवर्स पे बनाएंगे इसका डिफरेंस। आप देखिए, आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा ना, यानी वैल्यू को चेंज कीजिए। जैसे डिजाइन इसकी यहाँ 150 है, यानी 100 किलो न्यूटन कर दिए, यहाँ 70 है, 50, यानी कि वैल्यू को चेंज करके एक दो नंबर का इसी टाइप पर आप बनाइए, खुद से बनाइए। यानी कि एक बार आप इस नोट डाउन कीजिए, उसके बाद वैल्यू को चेंज करके खुद से कॉपी पर बनाइए। तो आप देखिए, जितना अधिक आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए प्रैक्टिस एंड रिविजन ही आपका सफलता की ओर जाएगा। और 50% प्रैक्टिस एंड रिविजन किसी एग्जाम को सफल बनाता है ना। और 50% हो गया आत्मबल और दृढ़ इच्छा, यानी कि आप अंदर से आत्मा को जगाइए कि नहीं हमको पढ़ना है, 6 सेमेस्टर में अच्छा नंबर लाना है। क्योंकि आपका 100 देखिए अथी है, न्यूमेरिकल पेपर है, तो इसमें आप 70 में 70 भी ला सकते हैं। तो जाहिर सी बात है 70 में 70 लाइए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रिविजन और प्रैक्टिस कीजिए, बाकी आपके साथ हम हमेशा से जुड़े रहेंगे। यानी कि आपके एग्जाम तक आपके हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, हम आपके ऑब्जेक्टिव भी देंगे, आपके समय गेसिंग क्वेश्चन भी गेसिंग करेंगे, है ना। तो ये था आपका क्रशिंग स्ट्रेस, सॉरी नकल ज्वाइंट पर इसका क्या न्यूमेरिकल बनाए थे, इस पर एक अलग टाइप से दूसरे टाइप से एक न्यूमेरिकल बनाएंगे। उसके बाद हम लोग क्वार्टर ज्वाइंट पर चलेंगे, यानी कि नकल ज्वाइंट खत्म, उसका क्वार्टर ज्वाइंट, यानी 4-5 लेक्चर, यानी कि इस महीना में यानी कि अप्रैल में कम से कम आपका 3 यूनिट निपटा देंगे, है ना। ताकि डिजाइन में 3 यूनिट निपटा देंगे, उसके बाद रेफ्रिजरेटर यानी कि RAC में भी निपटा देंगे करीब करीब 3 यूनिट, 2 या 3 यूनिट इसमें भी, यानी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन RS में आपको हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा मैनेजमेंट में, चल रही है मैनेजमेंट में, समझिए कि 2 या 3 यूनिट समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पहला यूनिट समाप्त हो गया है। अब दूसरा यूनिट में हम लोग इंटर करेंगे, यानी मैनेजमेंट प्रोसेस। उसके बाद इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर, क्योंकि 6 सेमेस्टर में सबसे छोटा यानी सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर। तो ये आपका चलेगा एक, यानी कि एक एक दिन गैप करके आपको वीडियो अपलोड होगा, और साथ ही प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के डेली वीडियो अपलोड होगा। तो ये 1 से 2 दिन में भी आपका फर्स्ट यूनिट लेने की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का भी खत्म है। तो ये था आपका डिजाइन माने मशीन डिजाइन का। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए हम आपके लिए, अगर आप हम आपको सर्विस दे रहे हैं, तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चैनल को अधिक से अधिक मोनेटाइज कराने में मदद कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और लोगों को सब्सक्राइब करने, फ्रेंड को सब्सक्राइब करने के लिए कही, क्योंकि आपको इस यानी कि आपको इसी चीज पढ़ने 6 सेमेस्टर में पढ़ने के लिए कि दूसरे संस्था में 10-10 हजार रुपया देना पड़ेगा, लेकिन हम आपको यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा रहे, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। तो चलिए, जय हिंद।